हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज़ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं या मेथड्स हैं। इसमें आप लोगों को कल भी हमने कुछ बताया था, अगर कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें आपका मेनली फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, गेम्मा, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके डील करते हैं। फिजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फिजन। फिजन, व्हाट इज़ द फिजन? फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी टूटना। तो इसमें टू टाइप्स मेनली आपको पढ़ने होंगे, एक तो बाइनरी फिजन और दूसरी मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी, बाइनरी मीन्स होता है टू, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म का टू डॉटर ऑर्गेनिज्म में स्प्लिटिंग होना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो डेफिनेशन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाल्व्स, ईच हाल्व्स फॉर्मिंग डॉटर ऑर्गेनिज्म। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, बाइनरी फिजन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स के आपको दिखाई देंगे। इसमें फर्स्ट है आपका सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन। ये मोस्टली आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। अब ये आपके सामने एक फिगर के थ्रू अमीबा में बाइनरी फिजन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये अमीबा है, अमीबा में आपका न्यूक्लियस है, और आप लोग माइटोसिस डिवीजन पढ़े होंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, जिसको कि हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन डिवाइड होते हैं और टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, उसके बाद जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जब होगी, यानी कि साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाएगा, तो एक पेरेंट से आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर टू डॉटर न्यूक्लियाई, सॉरी डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो चुका है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम लोग इसमें बाइनरी फिजन के नेक्स्ट टू टाइप्स और पढ़ेंगे। इसमें आपका एक है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना में जो फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस के थ्रू होता है, यानी कि ये जो डिवाइड होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू होगा। और नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो कि आपको मोस्टली पैरामीशियम और प्लानेरिया में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मोस्टली MCQ बेस्ड बन रहे हैं, तो आपको ये सारे एग्जांपल थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डिवीज़न, जो बाइनरी फिजन हो रही है वो ट्रांसवर्सली हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो कई डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, मैनी डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ये भी मोस्टली आपको अमीबा और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। आप लोग देखो, इसमें अमीबा में ये शो किया गया है कि कैसे इसमें जो है आपको मल्टीपल फिजन हो रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये एक अमीबा है, इसके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होती है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैनी न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है। आफ्टर सम टाइम ये जो सिस्ट होती है वो रप्चर हो जाती है, और फेवरेबल कंडीशन में ये जो जो डॉटर न्यूक्लियाई थे, जिसका कि साइटोप्लाज्म डिवीजन भी होने के बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, आपका स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेते हैं। ये स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर आ जाएंगे और न्यू अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा बडिंग है। बडिंग में आप लोग देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि एक बड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं, जैसे कि देख रहे हो न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो फ्रॉम बड। बड लाइक स्ट्रक्चर से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। हाइड्रा में देख रहे हो आप लोग कि ये हाइड्रा है, और इसमें जो है स्मॉल आउटग्रोथ निकला हुआ है,
और ये स्मॉल आउटग्रोथ जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने पेरेंट से डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में एक्चुअली एक्सीडेंटली जो है पेरेंट डिवाइड हो जाते हैं और उस सभी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और यही फ्रेगमेंट्स आगे चल के डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा स्पंजेस के अंदर, स्टारफिश, स्पैरोगैरा, राइजोफिस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है स्पैरोगैरा का, जो कि एक एल्गी है। आप लोग देख रहे हो एक्सीडेंटली ये जो है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स आगे चल के डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है गिम्मा। गिम्मा जो कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा मार्केंसिया में। मार्केंसिया जो कि ब्रायोफाइट्स है, ये देख रहे हो आप लोग, ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है। देख रहे हो आप लोग मार्केंसिया पर छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं और इसको हम लोग कहते हैं गिम्मा कप। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गिम्मा कप। ध्यान देना, ये गिम्मा कप का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो इसके अंदर, इस गिम्मा कप के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, गिम्मा। और ये गिम्मा जो है इस गिम्मा कप के अंदर डेवलप होते हैं, बाद में ये इससे बाहर निकल के और न्यू ऑर्गेनिज्म का या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन, व्हाट इज़ द रीजनरेशन, रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड रीजन, यानी इंजर्ड रीजन का फिर से ग्रो होना क्या कहलाता है हमारा, रीजनरेशन। ये आपको टू टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका मॉर्फेल एक्सिस और दूसरा होता है ईपी मॉर्फोसिस। मॉर्फेल एक्सिस, इसमें क्या होता है कि जो होल बॉडी है वो डेवलप करता है एक स्मॉल फ्रेगमेंट से, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के छोटे पार्ट से जो है पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर। इसमें जैसे सपोज कर लो ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं ये आगे चल के डेवलप करके पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद है आपका ईपी मॉर्फोसिस। ये मोस्टली आप लोग लिजर्ड में आप लोग देखे होंगे कि उसका जब टेल कट जाती है तो वो जो सिर्फ पार्ट उसके जो वो ऑर्गन है वो डेवलप कर जाते हैं, यानी कि कह सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। ये क्या है आपका ईपी मॉर्फोसिस टाइप का रिजनरेशन। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पोर फॉर्मेशन जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। मोस्टली आप लोग इसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं, जहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बोलते हैं। मोस्टली ये आपको देखने को मिल जाएगा मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, एल्गी और फंजाई के अंदर। तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक मोटाइल हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल स्पोर्स जिसको कि हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, ये फ्लैजलेटेड होते हैं, यानी कि इसके अंदर इस टाइप का फ्लैजला ग्रो फ्लैजला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाते हैं। और ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, उसके अंदर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स जिसको कि हम लोग कहते हैं कोनिडिया। नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया। और याद रखिएगा ये जो है एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक्सोजिनसली का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड पे ये ग्रो करते हैं। जैसे कि ये आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगा पेनिसिलियम, जो कि एक फंजाई है, इसके अंदर पेनिसिलियम में दिखाई देगा। आप लोग देख रहे हो कि स्मॉल छोटे छोटे जो है ये कोनिडिया, चेन्स ऑफ कोनिडिया इस पर प्रेजेंट है, जो कि बाद में डिटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं।